हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भैयाजी क्रिकेट पे। आज का मैच गुजरात जाइंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला जा रहा है। आज के मैच में कप्तान बेथ मुनी ने, जो गुजरात जाइंट्स की कैप्टन है, उन्होंने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनका साथ दिया लोरा वॉलवार्ट और बेथ मुनी। लोरा वॉलवार्ट ने 45 बॉल में 76 रन बनाए, जिनमें 13 चौके शामिल है। इनका स्ट्राइक रेट 168 का रहा। इन्होंने 13 चौके लगाए, छक्का 1 मिनट लगा पाए। लोरा वॉलवार्ट रन आउट हुई, इनका रन आउट किया ऋचा घोष ने और बिष्ट ने। बेथ मुनी ने आज जोरदार कप्तानी पारी खेली, जिनमें 51 बॉल पे 85 रन की जोरदार पारी खेली। 12 चौके 1 छक्का शामिल है। इनका स्ट्राइक रेट 166 का रहा। लिटल फील्ड ने 17 बॉल में 18 रन बनाए, जिनमें 1 चौका लगाया। इनका स्ट्राइक रेट 105 का रहा। गार्डनर ने पहली बॉल पर आउट हो गई, इनका विकेट लिया वारेहम ने। कैच पकड़ा बहादुर ने। हेमलता ने 3 बॉल में 1 रन बनाया, इनका विकेट लिया मोनिफ ने। स्टंपिंग किया ऋचा घोष ने, इनका स्ट्राइक रेट 33 का रहा। वेदा कृष्णमूर्ति ने 2 बॉल में 1 रन बनाए, इनका भी रन आउट किया ऋचा घोष ने और बिष्ट ने। इनका स्ट्राइक रेट 500 का रहा। ब्रेफ ने 1 बॉल में 1 रन बनाया, जिनमें इनका स्ट्राइक रेट 100 का रहा। आरसीबी की टीम ने टोटल 17 रन एक्स्ट्रा के दिए, जिनमें 14 वाइड फेंकी, 3 LPW के रन थे। गुजरात जाइंट्स का 20 ओवर के बाद स्कोर 199 था 5 विकेट पर। इन्होंने 20 ओवर में 10 के रन रेट पे रन बनाए। इनकी बल्लेबाजी नहीं है तनुजा कुंवर, मेघना सिंह, रॉयल चैलेंजर बॉलर चैलेंजर का बॉलिंग का स्कोर कार्ड। सोफी डिवाइन ने 3 ओवर डाले, 37 रन दिए। इनकी इकोनॉमी 12.33 की रही, जिन्होंने 2 वाइट बॉल डाली। रेणुका सिंह ने 4 ओवर में 34 रन दिए, 8.50 का इकोनॉमी रही, 3 वाइट बॉल डाली। सोफी ने 4 ओवर में 32 रन दिए, 1 विकेट लिया, इनकी इकोनॉमी 8 की रही। भाईक्रम ने 4 ओवर में 36 रन दिए, 1 विकेट लिया, इनकी इकोनॉमी भी 9 की रही। बिष्ट ने 3 ओवर में 31 रन दिए, इनकी इकोनॉमी 10 की रही। शोहेब फोहमा ने 1 ओवर में 11 रन दिए, इनकी इकोनॉमी 11 की रही। एलिफ पेरी ने 1 ओवर में 15 रन दिए, इनकी इकोनॉमी 15 की रही। पहला विकेट गिरा लोरा वॉलवार्ट का 140 रन पे, दूसरा विकेट गिरा 192 पे रिचर्ड फंड का, तीसरा विकेट गिरा 192 पे गार्डनर का, चौथा विकेट गिरा 195 पे हेमलता का 19.1 में, 198 पर एक और विकेट गिरा वेदा कृष्णमूर्ति का। इसी की तरह अगर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को जीतना है तो स्मृति मंदाना को जोरदार पारी खेलनी होगी, और जीत के लिए 20 ओवर में 200 रनों की दरकार है। आरसीबी को जीतने के लिए 10 के 100 रन बनाने पड़ेंगे। दोस्तों, देखते हैं मैच में क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ भैयाजी क्रिकेट। आरसीबी की टीम बैटिंग करने उतरी, ओपनिंग की मेघना ने, इनका साथ दिया कप्तान स्मृति मंदाना ने। मेघना ने 12 बॉल में 3 रन बनाए, इनका स्ट्राइक रेट 25 का रहा। स्मृति मंदाना कप्तान ने 16 बॉल में 24 रन की जोरदार पारी खेली, जिनमें 2 चौके शामिल है। इनका स्ट्राइक रेट 150 रन का रहा। एलिशा पेरी ने 8 बॉल में 7 रन बनाए, जिनमें 1 चौका शामिल है। इनका स्ट्राइक रेट 87 का रहा। आरसीबी का टोटल स्कोर 39 रन पर 1 विकेट है 6 ओवर के बाद। इनकी रन रेट 6.50 की चल रही है। आने वाले बल्लेबाज है सोफी डिवाइन, ऋचा घोष, सोफी क्रियोगारिया, वाहेरम, एकता बिष्ट, सिमरन बहादुर, ऐशा शोभाना, रेणुका सिंह। आरसीबी का पहला विकेट गिरा 31 रन पर स्मृति मंदाना का, जो कि कप्तान है। देखते हैं दोस्तों, आरसीबी की टीम लक्ष्य को हासिल कर पाती है या नहीं पाती। इनको हर ओवर में 10 रन के रन रेट पर रन बनाने पड़ेंगे जीत के लिए। स्कोर काफ़ी बड़ा है क्योंकि आरसीबी की बॉलिंग अच्छी नहीं हुई थी। तो बने रहिए हमारे साथ भैयाजी क्रिकेट के साथ, तो देखते रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग की वीडियो डालते रहेंगे, और अब IPL का भी शुरू होने वाला है, तो हम आपके लिए IPL की वीडियो भी डालते रहेंगे। अच्छा, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम आगे की वीडियो भी काम करते रहेंगे, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट बहुत अच्छा चलता है। दोस्तों, देखते हैं गुजरात जायंट्स की बॉलिंग का लिखा चुका। इसलिए गार्डनर ने 2 ओवर डाले, जिनमें इन्होंने 2 रन दिए, 1 विकेट भी लिया। इनकी इकोनॉमी 1 की रही। इन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। ब्रेफ ने 2 ओवर में 8 रन दिए, इनकी इकोनॉमी 4 की रही। तनुजा कंवर ने 2 ओवर में 24 रन दिए, इनकी इकोनॉमी 12 की रही। दोस्तों, तनुजा कंवर काफ़ी महंगे साबित हुई है। अगर गुजरात जायंट्स की बॉलिंग काफ़ी अच्छी रही तो आरसीबी मैच हार जाएगी, और अगर
आरसीबी को मैच जीतना है तो उन्होंने किसी को ना किसी बॉलर को टारगेट जरूर करना पड़ेगा। अगर आरसीबी अभी दोस्तों सेकंड पोजीशन पे है, फर्स्ट पे अभी दिल्ली कैपिटल्स है, थर्ड पे मुंबई इंडियंस। अगर आरसीबी आज का मैच हारती है और 100 पे देखना पड़ेगा कि मुंबई ऊपर आती है या नहीं आती। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भैया जी क्रिकेट को, हम आपके लिए छोटी बड़ी अपडेट लाते रहेंगे। आज का मैच काफ़ी अच्छा मैच हुआ गुजरात जायंट्स की तरफ में, जिन्होंने आज दो अर्धशतक देखने को मिले और काफ़ी लंबे लंबे हिट्स भी देखने को मिले, जिसके कारण आरसीबी को 199 रन बनाए और 200 रन का टारगेट दिया।